स्वामी देवे सर्व मंगल मांगले गौरी नारायणी नमस्ते सर्वाधा प्रसन्न प्रसन्नी प्रभाकर अघोरभ्य घोरभ्य घोर घोर तरेभ्य अर्भेभ्य सर्वो सर्वेभ्य नमस्ते अस्तु रुद्रभ्य। तो कोई आदमी जब मरते हैं तब उसको दाह संस्कार होता है, माने हिंदू बोलो हिंदू अपना धर्म में है संस्कार होते हैं जब अग्नि संस्कार, तो उनका जलाया जाता है। वो शरीर में जब लगाते उसका एनर्जी मिलता है, इसी कारण चिताभस्मी लेप। मनुष्य को सहज लब्ध नहीं है, जिसको भूख लगता है वो कभी नहीं देखते हैं ये झूठा है ना साफ सुथरा है ना शुद्ध है। जंगल में जो रहते थे पहले, जिनके पास खाना पीना उपलब्ध नहीं था, गंगा के बगल से दे रहा है, देर बड़ी बह रहा है, उसको ले आके पका के भी खाते थे या कच्चा भी खा लेते थे। जिनके पास पकाने के साधन नहीं है तो उसके कभी कभी वो लेके उसके ऊपर क्रिया करते थे। घोड़ी बहुत काम कर सकती है, जो काम पूजा पाठ जाप तंत्र क्रिया से नहीं होता है वह अघोरी क्रिया से होता है। इस क्रिया में कुछ स्केल मतलब मनुष्य खोपड़ी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको सिद्ध किया करके रखे कराने वाला उसका गुरु होते हैं, जो वही अघोरी जिसके पास सिद्धि है, नहीं तो उसको ही मार देगा जान से वही खोपड़ी। मेरे पास एक है वो 38 डकैती किया, 8 मर्डर 8 रेप, 35 साल आयु में पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। हाँ वो तो बुरा आत्मा था, उसको पूजा पाठ करके उसको सिद्ध आत्मा किए, तो उसके अंदर वो तो जला के राख नहीं किया गया, उसके अंदर में पल्स है, तो वो अच्छा काम में लगाया गया। और वो अगर मेरे अलावा और किसी के पास जाएगा तो उसको मार देगा जान से। तुम्हारा पति अगर तुमसे डिवोर्स लेना चाहता है तो आ जाने का, जिंदगी में डिवोर्स नहीं दे पाएगा। बिजनेस नहीं चल रहा है, घर में भूत प्रेत है, जीन है शरीर में, सब निकाल देंगे। भारत में चार धाम यात्रा करने के बद्रीनाथ केदारनाथ यमुनोत्री गंगोत्री का, जब उनका यात्रा पूरा होने के बाद जब तक आप पशुपति का दर्शन ना करें तो चार धाम यात्रा का मान्य है। Thank you.
गले बलम बलम बेता।